एंड वेलकम बैक टू मेगा होम किचन। आज मैं आपके लिए बनाने जा रही हूँ गट्टा करी की रेसिपी। जी हाँ, राजस्थान की फेमस गट्टा करी की रेसिपी। घर में कुछ नहीं है, बेसन रखा है तो हम इससे झटपट से बना सकते हैं बहुत सारी डिशेस। उनमें से गट्टा जो है राजस्थान की सबसे फेमस डिश है। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए बेसन। इसमें हमें एक कप बेसन लिया है, उसमें थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे, फिर मसाले डालेंगे जिसमें हमने 2 चम्मच लाल मिर्च ऐड करी है, 1 से 1.5 चम्मच हल्दी का ऐड करा है और 2 चम्मच के करीब धनिया पाउडर। और थोड़ी सी अजवाइन और हींग। अब इसमें मोइन के लिए तेल ऐड करेंगे। तेल हमें अच्छे से डालना है जिससे अच्छी सी बॉन्डिंग हो जाए। अब एक डो तैयार करेंगे जिससे हम उसके गट्टे बना सकते हैं। अब हम अच्छे से इसको गूंथ लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एक डो तैयार करेंगे। जैसा पूड़ी का डो होता है उस तरीका डो तैयार करना है हमें। आटा बहुत सॉफ्ट मारना है। अब मैंने ये आटा गूंद के तैयार कर लिया है। अब दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई में पानी उबलने रख दिया है जिसमें हम अपने गट्टों को बॉईल करेंगे बनाकर। पानी मेरा बॉईल हो रहा है। जब इसमें थोड़ा सा उबाल आ जाएगा तो हमने ये जो गट्टे तैयार करे हैं ना, इसको इसमें डाल दिए हैं। गट्टे तैयार करे थे और उसको अब एक उबाल आने तक इसमें पकाएंगे। थोड़ा सा ऑयल डाल दीजिए जिससे हमारे गट्टे चिपकेंगे नहीं। अब इसे ढककर तब तक पकाएंगे जब तक हमारे गट्टे ऊपर नहीं आ जाते हैं। अब तो खोल कर देख लेंगे। देखिए हमारे गट्टे कितने अच्छे से फूल गए हैं और ऊपर भी तैरने लगे हैं। अब इन गट्टों को निकाल कर इनकी शेप में कट कर लेंगे। और हमने गट्टों को अपने राउंड शेप में कट कर लिया है। चलिए अब दूसरी तरफ ग्रेवी तैयार करते हैं। इसमें हमने 2 बड़े चम्मच के करीब तेल ऐड किया है। अब इसमें कुछ खड़े गरम मसाले डालेंगे जिसमें हमने तेज पत्ता, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, जीरा, गरम मसाला और बड़ी इलायची और काली मिर्च, लौंग, हींग और ये 1 कटोरी दही ऐड करेंगे। अब दूसरी तरफ तेल गरम हो चुका है हमारा। अब इसमें जीरा डालेंगे और बाकी सारे मसाले भी हम इसमें ऐड कर देंगे। मसाले डालने के साथ ही हम इसमें दही ऐड कर देंगे। और ध्यान रखना दही डालते टाइम तुरंत ही हमें इसे चलाना है, अच्छे से चलाना है जब तक हमारा मसाला भुन ना जाए। चलाते रहना है नहीं तो हमारा दही फट जाएगा। अब हम अपने तैयार किए हुए गट्टे ऐड करेंगे। अब इसको मिक्स कर देंगे, फिर हम इसमें पानी ऐड करेंगे। ध्यान रखना पानी थोड़ा ज़्यादा लगता है गट्टों में, इसलिए अपने हिसाब से ही इसमें पानी ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने 3 ग्लास के करीब पानी ऐड किया है। पानी इतना डालो कि गट्टे हमारे बिल्कुल भीग जाएं। अब इसको 1 उबाल आने तक पकाएंगे। देखिए अब इसमें उबाल आना चालू हो गया है। अब बस उबाल जैसे ही हमारा 1 उबाल आ जाएगा बस फिर उसके बाद हम गैस को ऑफ कर देंगे और हमारी रेसिपी बिल्कुल सर्व करने के लिए गट्टे की सब्जी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। इसको गर्मा गर्म सर्व कीजिए और रोटी या चावल के साथ सर्व कीजिए और एंजॉय कीजिए। इसके साथ अचार या संग में एक्स्ट्रा कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं क्योंकि अपने आप में भी तीखी और अच्छी सब्जी है। अगर आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।